क्या आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया है? अगर नहीं तो 31 मार्च 2020 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। ऐसी स्थिति ना आए तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप ऑनलाइन पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से अगर आप लिंक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ लिंक आधार पर क्लिक करें। अगर आपका आधार अकाउंट नहीं बना है तो बना लें, जिस पर क्लिक करते हुए एक पेज खुलेगा। फिर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार नंबर के मुताबिक कैप्चा भरना होगा। इसके साथ ये जानकारी भरते ही लिंक आधार पर क्लिक करते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि पैन से आधार लिंक चेक का स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां पर लाल रंग का ब्लिंक करते हुए क्लिक हेयर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक पेज खुलेगा। इसमें पैन नंबर, आधार नंबर भर दें, जिसके बाद पैन से आधार लिंक चेक का स्टेटस पता चलेगा। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बाबत एक आदेश दिया है, जिसके मुताबिक जो लोग 31 मार्च तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा पाए उनका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी साफ नहीं किया है कि जो पैन कार्ड रद्द किए जाएंगे वो दोबारा से एक्टिवेट हो पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले ये एडवाइजरी जारी की थी कि जिन लोगों का पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं है वो 27 जनवरी 2020 तक करवा लें, लेकिन 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया था, जिसकी वजह से सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी। यानी अब आपको 31 मार्च के अंदर अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।